इस्लामाबाद हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सही सर्दी वाली सर्दी है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वरना मुझे सर्दी में इतनी उम्मीद नहीं थी। सर्दी में उम्मीद कि आप बिस्तर में से भी निकल सको, लेकिन ये सब कुछ बहुत फ्रेश मिलता है हमें, लेकिन सही रात। हे एवरीवन, दिस इज़ मी सन्याशा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग हैं यहाँ पे ग्राउंड में, घर के अंदर का ही हमारा एक ग्राउंड बना हुआ है और मैं हूँ अपनी मॉम के साथ। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग। और वो आ गए मेरे भाई शूटर बनके, और उन्हें मैंने क्या सी कि यार तू मैं आ रही हूँ कटिंग करा के मेरे नानली पानी रख दे। हमने बाहर जाकर जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रॉसरी की है और इस्लामाबाद का वेदर कैप्चर किया है, वो व्लॉग आप लोग देखें, उस वीडियो को एंजॉय करके आएँ। और मैं तब तक जो है वो भाई का पानी रख के आती हूँ। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पालक साफ, आज बनेगा आलू पालक। लगने लगी थी मेरे को छुरी, थोड़ी सी शायद लग भी गई है। और मामा कुछ कहना चाहेंगी आप? जी आप जल्दी से पानी रखिएगा, फिर इसके बाद आपको भी नहाना है, भाई नहा के चला जाएगा जॉब पे, तो आपने फिर नहाना। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है मामा, सर्दी ठंड, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और इस्लामाबाद हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सही सर्दी वाली सर्दी है, मतलब के मज़े वाली सर्दी है और सर्दी वाली सर्दी है। और आगे आगे किस तरह के मौसम के हालात रहते हैं आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी तो बर्थडे का ब्लॉग भी बनाना होगा मैंने, लेकिन शायद मैं इस ब्लॉग को पहले ही जो है वो अपलोड कर दूंगा, उस वाले को बाद में करूंगा। बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा है यहाँ पे, वाकई ही ये थे सर्दी वाली सर्दी है, बहुत सर्दी है। और शायद मुझे लग रहा है कि पीछे से धूप अब आना शुरू हो रही है। और मौसम के हालात आपके सामने हैं। मम्मा कुछ मेरी तारीफ़ में कहें ना, फिर मैं जाकर पानी रखता हूँ ना। कुछ कहना चाहेंगी मेरे बारे में? आकर मैं बिस्तर में ही तो नहीं छुपी हुई ना, कुछ करा रही हूँ। आप बहुत काम कर रहे हो, नो डाउट। इधर कैमरे में देख के बोले ना, कैमरे की आँख में देख के बोले। आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, वरना मुझे सर्दी में इतनी उम्मीद नहीं थी। सर्दी में उम्मीद कि आप बिस्तर में से भी निकल सको, लेकिन यहाँ का वेदर जो है वो सर्दी भी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि जब वेदर अच्छा है तो मूड अच्छा है, मूड अच्छा है तो सब अच्छा है। यही तो बात है कि सारे पैसे इसी के ही हैं, मूड के, वेदर के। और सच में बहुत ही प्योर सा वेदर है। हाँ जी गाइस, सफ़र का आगाज हुआ जो है कहाँ जाने के लिए, एक बहुत ही जो है रॉ और ऑर्गेनिक शॉप पे जाने के लिए। मैं और मेरे भैया निकल गए सुबह ही रूज को स्टॉप पे ड्रॉप करने के बाद लगभग 9 बजे तक। और मैंने कहा क्यों ना मैं मौसम को जो है वो दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं कि कितना प्यारा मौसम हो रहा था। और किट शिट करके मैं और भाई निकले, आप मौसम के नज़ारे देख ही रहे हैं यार, सच में बहुत ही अच्छा वेदर था। और दूर दूर से आपको छोटे छोटे चुनू चुनू से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही सर्दी लगती है, बट फिर भी नो डाउट बहुत इंजॉय करने वाला वेदर है, आपके मूड को जो है वो एक स्टेबल कंडीशन में रखने वाला वेदर है। क्योंकि इंसान होते हुए आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और ये वेदर आपको जो है वो अच्छे वाले मूड में रखता है। सो मैं और भाई एक ऑर्गेनिक शॉप पे गए, रास्ते में जाते हुए देखें कितना प्यारा यूनिवर्सिटी आई है, मैं नाम नहीं इसका बताऊंगी वरना आप लोगों को लोकेशन का पता चल जाएगा। व्लॉग को एंजॉय कीजिए, साथ रहिए। और जी गाइस, मैं और भाई पहुंच गए हैं इस ऑर्गेनिक शॉप पे, और यहाँ पे बाइक पार्क की और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। चीज़ें बहुत रॉ हैं, और जिसमें जो है वो चावल है, आटा है, शक्कर है, गुड़ है, हनी है बहुत सी कंपनीज़ का, और आपको लहसुन का पाउडर ड्राइड फॉर्म में आपको सारे हर्ब्स मिल जाएंगे प्योर बहुत। और ये गवर्नमेंट की जॉब है, ये कोई प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट की शॉप है, प्राइवेट जो है वो शॉप नहीं है। और मैंने यहाँ से जो है वो अनारदाने का पाउडर लिया था, शक्कर ली थी, और भाई ने आटा लेना था, तो वो सब चीज़ें और पानी हम लोगों ने लिया था। भाई शक्कर लेनी है? एंड जी वापसी जा रहे हैं असी घर न, और मैंने भाई को कहा कि अपना चेहरा दिखाओ तो देखो जरा उन्हें कि मैं अपनी लुक दिखाई है। जी
मतलब बंदा पूछे जे एवें ही विखानी ते तुसी ना ही विखांदे। और घर पहुँच कर जी हमने जो है वो कावा एंजॉय किया, और ये जी कावे के नज़ारे हैं, साथ में पालक साफ हो रही थी। और यार ज़्यादा लंबा ब्लॉग इसलिए नहीं कर रही हूँ आजकल क्योंकि फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस का इशू चल रहा है। इसको करते हैं यहीं पे वाइंड अप। आप लोगों को होप कि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लाइफ को इन्जॉय किया करें, रिलैक्स रहा करें, टेंशन ना लिया करें। वक्ती तौर पर परेशानियाँ आती हैं बट वो जैसे आती हैं फिर वैसे वो चले भी जाती हैं। यही सारे इस बात के जो है वो कमालात हैं। और बाकी आज मैंने आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए मैंने नहाना है, देखते हैं कि कितनी हिम्मत मिलती है। ये और देखो, बाकी वो देखो प्लेन भी है तो प्लेन। हाँ और नहीं बहुत ही मेरा बहुत अच्छा ट्रैवल रहा, मेरा फर्स्ट ट्रैवल था। मुझे बचपन से ही जहाज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत 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 बहुत। मुझे ये था थोड़ा बात लंबा सफ़र होगा लेकिन वो तो ऐसे ही बस बैठे हैं और बस खाना दिया उन्होंने और बस ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा अब घर जाओ अपने, तो मैंने कहा सही है भाई, ये अच्छा है, कमाल है। और अब लगता है